तो मैं अभी हूँ एक पीतल का बर्तन घिसाई करने वाली दुकान के सामने, जिसका नाम है गणपति बर्तन भंडार, प्रहराद राय कटरा। तो आप ये देख सकते हैं सामने ये दुकान है, और अभी मैं आपको इस दुकान पे सामने तीन पीढ़ियों को काम करते हुए दिखा पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सामने एक दादाजी हैं और उनके लड़के वहाँ पे हैं और उनके लड़के नाती यहाँ पे हैं। तो तीन पीढ़ियों का मिला जुला ये दुकान है जहाँ पर पीतल की घिसाई की जाती है। और इस समय वर्तमान समय में पीतल की घिसाई का क्या हाल है, पीतल के दुकान का क्या चीज़ चल रहा है, मैं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर। और ये आप देख सकते हैं ये कुछ घिसाई करने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी का कोयला है और ये मशीनें हैं। तो ये दादाजी हैं जो अब थोड़े से कान से कम सुनते हैं और काफ़ी पुराने हो गए हैं। मुझे लगता है इनके दादा परदादा भी शायद इस काम को किए होंगे। तो आइए चलिए भाई साहब से मैं जानता हूँ जो कि नमस्कार साहब, और कैसे हैं? ठीक, बढ़िया हैं। ये बताइए ये पीतल की जो आप घिसाई करते हैं तो ये पहले हाँ। चलता है जी, ये बर्तन शादी विवाह में दिया जाता है। अच्छा, शादी विवाह में चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके पास ये सिर्फ घिसाई के लिए आते हैं बर्तन? केवल पॉलिश करने के लिए आता है। अच्छा, केवल पॉलिश करने के लिए आता है। तो अपने घरों से भी लोग लेकर आते होंगे पॉलिश के लिए? घर में पहले का रखा हुआ था। अच्छा, जो पहले का रखा हुआ होता है। घर में शादी पड़ा चलो यही साफ करके दिला जाए, घर में मिला है पहले का रखा। अच्छा अच्छा, ये आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? पचासों साल पुरानी है। मतलब आपके पिताजी? हाँ। अच्छा, आपके दादाजी भी? आपके पिताजी मतलब जो बैठे हैं, मैं आपको दिखाया था अभी एक जो बैठे थे दादाजी, मैं आपको दिखा सकूं, वो जो बैठे हैं इनके पिताजी हैं और उनके पिताजी इस काम को किया करते थे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे हूँ। और ये बताइए कि अब के समय में ये कितना ज़्यादा मतलब ये इस चीज़ में कमी आई है पीतल की घिसाई में? अच्छा, पहले घरों में यूज होता था बर्तन। अच्छा जी, पीतल का जी, स्टील का अल्यूमिनियम का यूज हो रहा है। अच्छा, कुकर यूज हो रहा है, अल्यूमिनियम का यूज हो रहा है जी, का बर्तन यूज में आ रहा है। हुँ. ये सब बर्तन का चलन खत्म हो गया, केवल शादी विवाह लगन आता है। हाँ, शादी विवाह में आदमी सफाई कराए पर इधर मतलब घर पर रखा हुआ है, साफ करा के क्या आएगा तिलक में। अच्छा अच्छा, यही काम काम है लगन का। अच्छा, वो उधर आप घिसाई करते हैं? भट्टी में गर्माते हैं। अच्छा, भट्टी में गर्म करते हैं पीतल को पहले? पहले कचरा वचरा ज्यादा रहता है, तेल लगा रहा हो, कचरा लगा हो। अच्छा अच्छा, उस पर जलाया था, गर्म बगल जलाया तेल जब। हाँ हाँ, तेजाब उस पर असर नहीं करेगा, जब तेल लगा रहेगा बर्तन में। हाँ हाँ, ज्यादा जकड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तेजाब डायरेक्ट असर नहीं करेगा। अच्छा, मैल को जला कर तो सब कमजोर होता है। अच्छा अच्छा, कचरा माटी माली बीसों साल रखा हुआ है जी। आपका शादी में कहा है लड़की आपकी बड़ी हो, चले भाई शादी साफ करा दे देंगे। 25 साल बड़ा होने में लग गया लड़की के। जी जी जी, वो रखे रखे बर्तन में धूल कचरा चूहा पेशाब करता है, धूल गर्दा बढ़ता है, जकड़ जाता है मैल उस पर रखे रखे। ज्यादा जब जगह जाते तो गर्मा का हम लोग इसको लाल करते हैं, जो कचरा माटी जल कर राख हो जाएगा। ओ, तब उसके बाद तेजाब हम लोग तेजाब साफ करते हैं तेजाब से, तब वो मैल काटता है। अच्छा, जैसे ये इतनी चमकदार ये जो बर्तन दिख रही है, सफाई हुआ है, तेजाब साफ हुआ है, तेजाब से साफ हुआ है, उसके बाद ये पॉलिश हुआ है। ओह, पॉलिश हुआ है। अच्छा, अभी इसका पॉलिश नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका पॉलिश नहीं हुआ है, तो सिर्फ ये जो है सिर्फ चमक इसमें उतनी ज्यादा नहीं है, सफाई हुआ है जितनी इसमें चमक होनी चाहिए थी। तो ये आपको पीतल के कुछ बर्तन दिख रहे हैं और ये बर्तन को साफ करने का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। और ये मशीन जो है आप कैसे लगाते हैं सर इसको? वैसे जी जी जी, चला रहता है जी, पानी देता है। जी, पानी कुछ लगाएंगे। अच्छा लगाएंगे ना। अच्छा 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 अच्छा, ये बर्तन जरा उठाकर बता देंगे? ये देखिए, ये चालू कर दिया इन्होंने और मशीन अब चालू हो चुकी है। ये पॉलिश है? अच्छा, ये पॉलिश लगा आपने। और ये देखिए, अब ये बर्तन जो है ये देखिए, आप देखिए चमक देखिए इसकी, इधर लाइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए काफ़ी चमक इसमें, जितना दूर पॉलिश हुआ तो कितना चमक आ गया उसका, ऐसे गर्म हुआ है। अच्छा, गर्म हो जाता पूरा? गर्म हो जाता। ओह हाँ, काफ़ी गर्म है, गर्म हो जाता। हाँ, बहुत गर्म। और अंदर अंदर की सफाई नहीं होती है? नहीं, बदलाव नहीं करता, नहीं होता अंदर का, नहीं होता है, छोटा हो रहा है, कटोरा करता है। अच्छा अच्छा, उसके लिए छोटा है। अच्छा अच्छा, कटोरा वगैरह करना है अंदर, अंदर के लिए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा जी जी जी, कटोरा। अच्छा, थाली वाली साइज छोटा वाला साइज होता है? अच्छा अच्छा,
अच्छा ये है जी जी छोटा बर्तन का छोटा पफ होता है। ये देखिए आप गिलास की सफाई के लिए ये है और अच्छा बता सकते हैं अमूमन ये कितना साल पुराना होगा ये चीज़? ये कपड़े का बनता है। अच्छा अच्छा बनारस से खरीद करता है, मिर्जापुर से खरीद करता है। अच्छा अच्छा मुरादाबाद भी बनता है, कानपुर भी बनता है। हाँ मुरादाबाद में तो पीतल नगरी ही है। तो ये था देखिए आप हाँ ये अच्छा ये बताइए पहले के समय में और अब के समय में इस धंधे में जो मंदी आई है क्या इसका कुछ सरकारों सरकार पे भी कुछ सरकार का भी होना कुछ असर करता है आपके ऊपर? सरकार का कोई इसमें भागीदारी नहीं है। अच्छा पब्लिक का चॉइस बढ़ गया, स्टील के बर्तन आ गया मार्केट में, स्टील के बर्तन आ गया, सरफ से धुल दीजिए, विम पाउडर धुल दीजिए, इसको माजने में मेहनत है। कुल पीतल का बर्तन वजन होता है, भारी भारी माजिए, हल्का हल्का आ गया है, अलमुनियम का भाव आना, स्टील का भाव आ रहा, कुकर आ गया, वो आपका हो गया, मतलब आराम से माज दीजिए, वजन भी कम है। नहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल। और ये अभी मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 15-20 सालों से बिल्कुल इसमें धीरे धीरे धीरा हुआ है, इसमें धीरे धीरे 200-300 साल से धीरा हुआ है। अच्छा 300 साल से ना। हाँ, पहले दिरे, के समय में इसमें लोग खाना खाते थे। हाँ, बनाते थे। अब नहीं बनता है, पहले लोग खाते थे बनाते थे। अब ना कोई खाता इसमें ना बनाता है, केवल शादी ब्याह में देने काम में आता है। हाँ वो तो हाँ लोग शादी भी है। अच्छा अच्छा ये किस काम में आते हैं ये? कोई इस पर चिनाना बनाया था। अच्छा अच्छा ये लाइनिंग है ना। हाँ 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 इस पर साठ कला आपको साठ कला। अच्छा अच्छा सड़ जाएगा, ये ऐसे सड़ जाएगा। अच्छा अच्छा ऐसे सड़ेगा, उसको नचेगा, फिर उसको कट कर देगा, नचेगा, आग में आग डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा ओला है। अच्छा डिजाइनिंग बन जाता है, चिनाना रहता है। हाँ 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 ऐसे दिखा रहा है जी बिल्कुल। इसके अंदर चीना है, उसके अंदर। अच्छा अच्छा ये देखिए पेनिंग वाला लगाया है, लाइनिंग बनाया जा रहा है। हां 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 चीना डिजाइन को साथ में बनाना। अच्छा अच्छा ठीक है लग रहा है। तो ये है आपका पीतल की सफाई का एक छोटा सा वीडियो। मैं इस चीज़ को बना बस इसीलिए रहा हूँ कि आने वाली नई पीढ़ियाँ शायद नहीं जानती होंगी इस पीतल के बारे में। जब इसी पीतल के बर्तनों में खाना बना करता था, चावल एक तरफ रखा जाता था और दाल एक तरफ रखा जाता था और लोग स्वस्थ रहा करते थे और तंदुरुस्त रहा करते थे। शायद इसी का ये देन था जब खाना लकड़ी पे बना करता था और चूल्हे पे बना करता था। तो हम अभी दादाजी से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और सुनते हैं उनसे कि क्या उन बोलते हैं। तो कैसे हैं? ठीक हैं। कितने साल से आप कर रहे हैं ये? हाँ 50 साल से कम। 50 साल आपको करते हो गया? अच्छा अच्छा तो ये आपके और भी पहले के लोग आपके घर के लोग? ना सबको। अच्छा अच्छा मतलब टोटल कितने साल से आपके घर में ये सब हो रहा है? सैकड़ों बार। हाँ सैकड़ों बार। सैकड़ों 100 साल से ऊपर? अच्छा सैकड़ों साल हो गया। हाँ। अच्छा पहले के समय में और अब के समय में इतना कमी क्यों आ गया आपको क्या पता? तो ये स्टील है, प्लास्टिक चल गया है, एल्यूमिनियम है, कुछ पहले नहीं था। अच्छा स्टील के लिए नहीं था। तो पहले तो आपका ये साफ करना ही प्रमुख कार्य रहा होगा, बाकी बर्तनों तो नहीं बेचते थे ना। और अच्छी खासी रोजी रोटी चलती होगी? हाँ। अच्छा 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 तो पहले दूर दूर से लोग लेकर आते भी होंगे आपके पास? हाँ 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 ये अभी नहीं आते लोग। ये काम आप कहीं सीखे थे? काम कहाँ सीखे थे ये? पिताजी सिखाए थे। अच्छा पिताजी आपके सिखाए थे और ये आपके लड़के? अच्छा अच्छा ये चीज़ है। सैकड़ों साल से आप लोगों का यही रोजगार रहा है। अब धीरे धीरे अब इस चीज़ को बंद होते हुए आप देख रहे हैं। कभी आप उफान भी होते हुए देखे होंगे जिस समय सबसे ज़्यादा चला करता था और अब आप धीरे धीरे बंद हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल कम होता जा रहा है जी। ये आपका पहले एक मतलब रोजगार, एक मोटा मोटी रोजगार आपका यही हुआ करता था, अब ये आपका साइड का रोजगार हो गया है। आप देख सकते हैं चाचा साइड के अब इसी में चलता है, चलता है ना। अब बहुत कम लोग आते होंगे लेकर? बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। स्टील के पहले स्टील के नहीं चला, स्टील का नहीं चलता था ना, प्लास्टिक था, नहीं था।
पहले कभी कहा हिंदू को, हिंदू के घर में अगर अल्मुनिया मिलेगा हाँ तो हिंदू नहीं खाता था पहले, नहीं खाता था। अब हर घर में अल्मुनियम, अल्मुनियम का बर्तन पहले मुसलमान लोग केवल यूज करते थे। अच्छा अच्छा, हिंदू समाज नहीं करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अब सब लोग सब हर जाति में अल्मुनियम का बर्तन, हिंदू के घर में अल्मुनियम मिल जाता था हाँ, हिंदू इसे घर में कभी खाता नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जिस हिंदू के घर में अल्मुनियम की बर्तन मिलती थी वहाँ दूसरा हिंदू नहीं आता था, खाता नहीं था, भोजन नहीं करता था, भोजन ही नहीं करता था। अच्छा, हर घर में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चल रही है, हर घर में स्टील हो गया, स्टील हो गया, चलन हो गया, उसका चलन हो गया है। हाँ हाँ, पर ये था कुआ है हाँ, एक साथ में पानी नहीं भरेंगे आप। अच्छा अच्छा, आप भर लेंगे, अगर मोहल्ले में आ गए तो भर लेंगे, तब मैं अगर मैं भर रहा हूँ तो मोहल्ले में नहीं भर। हाँ हाँ, अच्छा ये पीतल के बर्तन में पहले की महंगाई में और अब की महंगाई में ज्यादा हो गया ना? बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, जमाना के हिसाब से बहुत गया है। हाँ हाँ, हर चीज का रेट बढ़ा है, इसका भी रेट बढ़ा है। 25 क्या, 15-16 पीतल था, 15-16 रुपए किलो, इसमें 400 रुपये किलो। अच्छा, आपने सबसे कम कितने रुपए किलो का बेचा है? 15 रुपये का देखा है। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि, मतलब बाबा पिताजी के आपके कैसे दिमाग में आया कि पीतल की घिसाई करनी चाहिए हमें? बस हमें तो मेन काम यही है कि दूसरा खुशी है, दूसरा कार्य करे। अच्छा, जी नहीं रहता है, कब मजदूरी करना पड़ता है, सबका मन है, होता है हाथी बिचार में होता है, किसी नहीं मिलता, ज्यादा नहीं मिलता है किसी करने का। अच्छा, आप बदलते हुए समय को देख करके अब आप क्या कहेंगे, अब आपका ये तो अब धीरे धीरे बंद होने के कगार पे है, पीतल के बर्तन उतना यूज होते नहीं है, क्यों शादी ब्याह में लोग आते होंगे लेने जाने के लिए, तो अब तो आप इस हिसाब से तो आपका ये जो कारोबार है वो धीरे धीरे बंदी के प्रोग्राम, मतलब बंदी के आगे में है, तो अब आने वाले लोगों के लिए आप क्या कह सकते हैं इसका, जो आपके आने वाली और पीढ़ी है, जो आपके नाती पोते हैं, अब तो आप इसमें लगाएंगे नहीं इस रोजगार में, अब आप नहीं चाहते होंगे कि इसमें लगे वो धंधे नहीं चल, क्या लगा धंधा काम हो गया, धंधा चलता पूरा भाई। तो देखिए ये एक 3-4 पीढ़ियों का एक अपना कारोबार था पीतल का और पीतल की घिसाई का, जो अब धीरे धीरे बंद होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने इनसे जाना कि आप अपने नाती को क्या यह धंधा सौंपेंगे, तो ये उस चीज़ से मुकर गए कि नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो भी ये काम करें, क्योंकि इस काम में बिल्कुल अब मंदी आ चुकी है, लोग अब पीतल के बर्तन यूज करते नहीं हैं, अब सारे लोग स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन यूज करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब इस काम में भी धीरे 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 अब कमी आती गई। तो ये एक हमारे दादाजी थे जो गणपति बर्तन भंडार, ये दुकान की जो इनका नाम है, और देवरिया के ठठेरी गली के पास ये दुकान पड़ता है, तो हमने कोशिश किया आपको मालवी रोड के पास दिखाने की कि पीतल की घिसाई होती कैसे है और क्या अब इस समय इस कारोबार में जो मंदी आई है उसका क्या अपना एक वर्चस्व है। तो ये था आज का पीतल की घिसाई पर ये वीडियो, ये आप देख सकते हैं गली जो बनारस की गलियों की याद दिलाती है, और सामने जब आप एंट्री करेंगे तो यहीं पे ये गणपति बर्तन भंडार की दुकान है। ठीक है दादी, बहुत बहुत धन्यवाद।